हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो पे। आज दोपहर के 12 बज चुके हैं। अभी बनाएंगे खाना, क्योंकि सुबह तो कुछ नाश्ता कर लिया था, दही रोटी का कलयुग कर लिया था। अभी बनाएंगे खाना और इधर दूध गर्म हो रहा है, और फिर नहाएंगे, फिर रिचका काट के लाएंगे। ये देखिए, मिर्ची के परांठे बना रहे हैं। ऐसे रोटी बना के फिर उस पे घी डाल के इसको ऐसे फैला देते हैं। फिर इसके ऊपर नमक और मिर्ची डालेंगे तो वो अच्छी तरह से रह जाए, लग जाएगी इसके। तो पहले हम डालेंगे इसमें मिर्ची, ऐसे ऊपर मिर्ची डालेंगे। इस परांठे को अगर दही के साथ खाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह का नाश्ता भी ऐसा काफ़ी अच्छा बनता है। और ये ऊपर से नमक डाल देते हैं। और हमारा दूसरा परांठा भी सिक चुका है, नीचे से चिप चुका है बुरी तरह से नीचे से चिपक गया। क्या है कि इधर हम करने लगे थे ना, नमक और मिर्ची डालने लगे थे, तब इधर ये चिपक गया बेचारा, क्योंकि नीचे आँच ज़्यादा है। अभी इसको ऊपर ही घी डाल लेंगे इसमें, ताकि इससे ज़्यादा स्वाद लगे। और इस तरह रोटी चोपड़ने में ज़्यादा घी भी लगता है। तो अभी इसको उतार देंगे नीचे। मैंने इसको बनाया तो चार कॉर्नर का था, पर ये बन गया गोल। चलो गोल ही सही। अभी इसको तुए पे डालेंगे। तुए पे ये लग गया काला काला चिट्ठा, अभी सिक जाएगा ये। देखिए, मैं यहाँ से इसका काट रही थी तो मुझे इतनी मोटी मूली मिली है। देखिए ये तो देखिए छोटी रह गई, ये देखिए कितनी मोटी हो गई है। बारिश के कारण ज़्यादा मूली नहीं होगी, ये एक दो ही है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई थी ना तो ये इनके ऊपर दब गई। रेत ऊपर आ जाती है ना तो उससे होती नहीं है। और ये है सरसों, सरसों का साग बनाएंगे। इनको तोड़ के, ऊपर इन डालियों को तोड़ के यहाँ से फिर साग बनाएंगे। सरसों का साग और बाजरे की रोटी बनाएंगे। खाना है तो आ जाना। मूली का पंता कितना बड़ा है, मूली निकली छोटी सी। भी तोड़ेंगे, खाएंगे इसको नमक लगा के धो के। ये एक रिचके की रोटी लेके आई, ओडी में है पिला, और गा ताक रही है कि कभी दे मुझे, मैं खाऊं। टूटी नहीं रही है खासे। तो हम लेके आ गए मूली, है तो छोटी पर खाएंगे अभी इसको। और दूध गरम करने के लिए रखे गए थे तो पीछे से ये तो फन गया, पूरी मलाई का घी यहाँ पे चिपक गया और पूरी मलाई तहस नहस हो चुकी है। देखिए, गाय को पानी पिला रही थी, ला रही थी तो चप्पल गोबर में भर गई, गोबर गोबर हो गया। और ये नाले पानी नहीं पी रही, पानी पी ले। छो 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 छो, इसको एक क्या मिल गया पता नहीं, इसको खा रही है, पानी नहीं पी रही। पानी पी ले, इसको दिख गया रिच का। छो 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 पी ले पानी। छो 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 कि पानी पीने की स्टाइल ही अनोखी है। क्या इनकी सर्दियों में पानी ठंडा रहता है तो दांत ठंडे हो जाते हैं। ये नहीं पिएगी, इसको गर्म पानी चाहिए बस। पी ले थोड़ा बहुत, तो सही पी ले।
नहीं पी रही आज। गाय तो खा पी के बैठ चुकी है और ये बकरी और ये मुंह ताक रहे हैं कि कोई कुछ खाने के लिए ला के दे दे। क्या ला के दूं तुझे? मुंह में तो रिजका का रखा है, पूरा तो खाया नहीं। और ये पानी है जिसको पिया नहीं, इसमें कांसली और रिजका डाल के डिजाइन बना दी, पेंटिंग बना दी इसकी। एक हाथ से उठा ही नहीं है तो नालायक, पूरे दिन शैतानियाँ करते रहते हैं। इस पानी को अभी डालेंगे इस इमली के पेड़ में। देखिए इमली इतनी बड़ी हो गई और इसके चारों तरफ देखो क्या पत्थरों के क्या किया। ये खाना जाए, पहले तो ये यहाँ पर नहीं थे, ये बाहर थे, अभी इनको यहाँ पर लेके आ गए हैं। और कांसली पूरी खाई नहीं इन्होंने, क्या पता इनका गूंथला निकाल के रख देते हैं, खाते तो है नहीं इसको पूरी। ये भी डालेंगे गाय को, गाय खड़ी हो चुकी है, देख रही है कि मुझे भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो अभी बकरी खा रही है लूम, देखो कितनी प्यारी लग रही है खाती हुई। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सियानी है पर ये सबसे ज़्यादा शैतान है। और इसको देखो टांग आ रहा है, ये देखो मार रहा है, देखो मार रहा है। इसके सींग बहुत बड़े बड़े हो गए हैं ना, इसे ये मारने की कोशिश कर रहा है। इससे इनके ये कहाँ होती है, खुजली होती है यहाँ पे सींगों के पीछे। क्या बनाएगा तुम्हारा ब्लॉग बनाऊँ क्या? मार रहा है सींग, ये देखो कैसे मार रहा है, मारते हैं क्या कोई? अभी इनको डालेंगे लूम, बकरी तो खा रही है बेचारी, देखो ऊपर मुँह कर रही है। और गाय ने नीचे रिजका खिंडा दिया, देखो किसी नीचे मिट्टी में कर दिए। ये इसका रिजका गालने का ठान जो ऊपर से फूटा हुआ है, तो इसमें रिजका अच्छे से खा सकती हैं। और ये फूस डालने का, इसमें फूस डल जाता है तो ये नीचे गिराती नहीं है, वरना इसे छोटा होता तो नीचे गिरा देती। क्या है कि रिजके वाला तो छोटा ही रखना होता है, तो इसके पास दो हैं, दो ही बाहर हैं, दो ही यहाँ पे हैं, इसे खा रही है। इसमें बकरियों का लूम जो खेजड़ी का होता है ना, पत्तियाँ लगती होती हैं वो होता है, उनको कटाई करके फिर एक जगह इकट्ठा करके फिर झाड़ लिया जाता है। ये लूम और लकड़ियाँ उधर बाहर रख देते हैं और ये लूम उन कट्टों में डाल के फिर इन बकरियों को खिलाते हैं। देखिए ये है लूम जो है सबसे महंगा। चलिए दोस्तों दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, हाथ धुआई हो चुकी है, अभी बनाएंगे तिल के लड्डू। काले वाले तिल हैं, सफ़ेद वाले तिल के तो फिर बनाएंगे, तो आप कल के ब्लॉग में देख लेना तिल के लड्डू कैसे बनाते हैं हम लोग। तो अभी बनाएंगे लड्डू और इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए